हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्री, तो आज के इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये हमारा है पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो एग्जाम्पल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर मोहन ने नया बिजनेस एक स्टार्ट किया है जिसमें उसने कैश यूज़ किया है 1 लाख का ऑन 1 अप्रैल 2021 को। तो जर्नल एंट्रीज करते टाइम पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं सीरीज वाइज। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको ट्रांजेक्शन देखते ही आपको सबसे पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें कौन से अकाउंट्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं। तो मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश यूज़ कर, तो इसमें पहला अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो आपका कैश है, और दूसरा अकाउंट जो आपका अफेक्ट हो रहा है वो है कैपिटल। क्योंकि अगर ऑनर अपनी तरफ से कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी कैश या फिर नॉन कैश आइटम कुछ भी अगर वो लगा रहा है अपनी तरफ से, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ओके, तो ये दो अकाउंट्स यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये पता करने के बाद आपको स्टेप टू में ये पता होना चाहिए कि ये आपके कौन से टाइप के अकाउंट्स में आते हैं। तो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश कंपनी के लिए असेट है और वहीं कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। ओके, ये आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप थ्री में आपको ये चेक करना है कि आपकी असेट और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश यूज़ कर, तो बिजनेस के अंदर तो कैश आया, तो इसका मतलब जो आपकी असेट है कैश वो इंक्रीज़ हो रही है, और वहीं लायबिलिटी जो हमारी कैपिटल है लायबिलिटी वो भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि बिजनेस की यहाँ पर कैपिटल बढ़ी है। ओके, उसके बाद स्टेप फोर में आपको रूल पता होना चाहिए, अगर आपकी असेट इंक्रीज़ होती है तो उसको आप हमेशा करते हैं डेबिट, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको आप हमेशा करते हैं क्रेडिट। ओके, उसके बाद ये फोर स्टेप्स के बाद नेक्स्ट फाइनल स्टेप आएगा आपका स्टेप फाइव, जिसमें आप अपनी कंप्लीट जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ओके, तो इन चार चीज़ों को पता करने के बाद आप बहुत ही इजीली अपनी जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले आप डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, आपका कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो आपने यहाँ पर अभी जस्ट देखा है, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से और क्रेडिट करेंगे आप अपने कैपिटल अकाउंट को 1 लाख से। ओके, और रीज़न हमने इन फोर स्टेप्स में ऊपर देख लिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये स्टेप्स फॉलो करके सारी जर्नल एंट्रीज इसी तरीके से करनी है, बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें हमने केस वन लिया है कि आपने गुड्स परचेज करी 30,000 की इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2021। ओके, और इसमें यही केस टू है आपका कि आपने गुड्स परचेज करी है मिस्टर राम से फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट ऑन 2 अप्रैल 2021। ओके, बात वही सेम है लेकिन दोनों को आपको अलग अलग केसेस में दिया हुआ है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है कि आपको स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। पहली स्टेटमेंट में आपको साफ साफ बोला हुआ है कि आपने गुड्स कैश में खरीदी, दूसरी स्टेटमेंट में आपको साफ साफ बोला हुआ है कि आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदी, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बनती है। लेकिन कई बार के पास कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको यहाँ पर कुछ भी साफ साफ मेंशन नहीं है अगर आप केस थ्री पढ़ें तो। यहाँ पर आपको गिवन है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹30,000 ऑन 2 अप्रैल 2021। यहाँ पर आपको ये भी नहीं बताया कि इसने कैश में खरीदी है या फिर क्रेडिट में खरीदी है। ओके, तो इस केस में जो है आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है, कैसे करनी है, तो अब हम ये देखते हैं। ओके, सबसे पहले केस वन देखेंगे, तो वही सेम स्टेप, सबसे पहले आपको देखना है कि किस अकाउंट्स में आपका अफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपका अफेक्ट किस में पड़ रहा है, आपने गुड्स खरीदी तो पहला अफेक्ट आपका जो पड़ा वो पड़ा आपकी गुड्स पे, और गुड्स आपको पता है आपके लिए आपकी एसेट है, और ये जो गुड्स आपने परचेज करी है तो ऑब्वियसली वो एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद आपको फाइनल रूल पता होना चाहिए कि अगर आपकी एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप उसको हमेशा करते हैं डेबिट। और दूसरा फर्क आपका पड़ रहा है कैश में, केस वन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि आपने गुड्स जो है कैश में खरीदी है और कैश भी आपके लिए एसेट है, बट ये एसेट आपके लिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि कैश आपने पे किया होगा तो आपका कैश बैलेंस कम हुआ होगा, इसका मतलब आपका कैश रिड्यूस हुआ है, तो एसेट भी आपकी डिक्रीज हुई है, और अगर आपकी एसेट डिक्रीज होती है तो आप उसको करते हैं क्रेडिट। ओके, तो
इन सब के बाद आप लास्ट अपना फाइनल स्टेप में जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो अगर केस वन की बात करें तो इसमें आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, आपने गुड्स परचेज करी है तो यहाँ पर आपकी जो असेट इंक्रीज हुई है वो तो गुड्स है, लेकिन आप एंट्री में गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। जब भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेबिट करना है परचेज अकाउंट यहाँ, ना कि गुड्स अकाउंट। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट 30,000 से, क्योंकि आपने कैश में गुड्स खरीदी है। ओके, वहीं अगर हम केस टू की बात करें जिसमें हमने मिस्टर राम से गुड्स खरीदी है क्रेडिट में, तो यहाँ पर आपका पहला अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो तो आपका वही गुड्स है, क्योंकि गुड्स आपकी आपने परचेज करी है तो वो आपकी इंक्रीज हुई है। ओके, तो परचेज तो आप वहीं पे डेबिट करेंगे कैश केस टू में जैसे आपने केस वन में किया। ओके, दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है केस टू में वो कैश नहीं है, क्योंकि हमने तो गुड्स क्रेडिट में खरीदी है। ओके, तो केस टू की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है मिस्टर राम, और मिस्टर राम जो कि है हमारा क्रेडिटर, और हमें पता है क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही है, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमेशा होती है क्रेडिट। ओके, तो अगर केस टू की बात करें तो यहां पर आपकी एंट्री वही परचेज अकाउंट को आप सेम वैसे ही डेबिट करेंगे जैसे आपने केस वन में किया, लेकिन यहां पर कैश की जगह पे क्रेडिट करेंगे आप अपने क्रेडिटर को, मतलब टू करेंगे मिस्टर राम। ओके, तो यहां पर इस तरीके से जो है आपको एंट्री करनी है। और रही बात केस थ्री की, तो केस थ्री में आपका बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा आपका केस टू में हुआ है। अगर हमें कुछ भी साफ साफ मेंशन नहीं कि हमने कैश में खरीदी है क्रेडिट में खरीदी है, बट हमें पर्सन का नाम गिवन है, तो हम यहां पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने जो है उससे क्रेडिट में ही सामान खरीदा होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहां पर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो केस टू था जिसमें हमने गुड्स उससे परचेज करी थी क्रेडिट में, अगर हम उसी गुड्स की आगे रीपेमेंट कर देते हैं, मतलब एग्जांपल थ्री में हमने क्या किया, 30,000 मिस्टर राम को हमने 3 अप्रैल 2021 को पे कर दिए। ओके, तो यहाँ पर आपको अब क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या अफेक्ट होगा, तो अफेक्ट देखिए यहाँ पर आपका अफेक्ट पड़ा है सबसे पहले आपके क्रेडिटर्स पर, मतलब मिस्टर राम जो आपका क्रेडिटर था उस पर फ़र्क पड़ा है एक तो, जो कि आपकी क्या थी, लायबिलिटी थी, और यहाँ पर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि अब आप जो आपके क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो उनका बैलेंस उतने से कम हो जाएगा, तो यहां पर जो आपकी लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आप हमेशा उसको करते हैं डेबिट। और दूसरा फर्क जो आपका पड़ रहा है वो पड़ रहा है कैश में, क्योंकि आपने अगर उसको पेमेंट करी है तो या तो कैश में या फिर चेक में करी होगी। ओके, बट यहां पर कुछ मेंशन नहीं है तो अभी हम यहां पर कैश एज्यूम कर रहे हैं। ओके, या फिर अगर यहां पर लिखा होता कि पेड ₹30,000 टू मिस्टर राम बाय चेक, तो यहां पर आप कैश की जगह पर आप यहां पर सेकेंड अकाउंट जो आपका अफेक्ट होता वो होता बैंक अकाउंट। ओके, बट यहाँ पर हमने कैश एज्यूम किया है और कैश हमें पता है हमारे लिए असेट है और ये असेट हमारी डिक्रीज हो रही है, तो अगर असेट डिक्रीज होती है तो हमेशा होती है क्रेडिट। ओके, तो इसके बाद आप अपनी फाइनल जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डेबिट करना है जो आपके क्रेडिटर है, मतलब जो कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस वजह से हम उनको जो है कर देंगे डेबिट 30,000 से और क्रेडिट हम कर देंगे टू कैश। ओके, क्योंकि कैश हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ऐसे डिक्रीज होती है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। ओके, एग्जाम्पल फोर्थ में देखिए, आपने जो गुड्स खरीदी थी आपने वही गुड्स बेच दी मिस्टर राघव को कैश में 5 अप्रैल 2021 को, तो ये केस वन है। इसी तरीके से जैसे आपने परचेजेस में तीन केस देखे थे, वैसे सिमिलर केस सेल्स में भी हो सकते हैं। पहले तो आपको सिंपल आपने कैश में गुड्स बेच दिए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट केस में आपको यहाँ पर गिवन है कि आपने मिस्टर राघव को क्रेडिट में गुड्स बेची हैं, और केस थ्री में यहाँ पर आपको सिर्फ इतना गिवन है कि आपने गुड्स सोल्ड करी है मिस्टर राघव को, ये नहीं बताया कि कैश में सोल्ड करी है या क्रेडिट में सोल्ड करी है। ओके, तो यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे जैसे परचेज में किया है, मतलब यहाँ पर केस थर्ड में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमने उसको क्रेडिट में सेल करी है। ओके, तो अब इसकी इसका अफेक्ट देखते हैं। इस ट्रांजैक्शन में अगर हम केस वन की बात करें तो इसका अफेक्ट किन अकाउंट्स में पड़ रहा है, तो वो सबसे फर्स्ट अकाउंट है एक तो गुड्स, क्योंकि आपने गुड्स बेची हैं तो अफेक्ट गुड्स पे पड़ेगा। ओके, और गुड्स आपकी असेट है और यहाँ पर आप उसको बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो गुड्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, तो असेट डिक्रीज हो रही है तो आपकी वो होगी क्रेडिट। और दूसरा फर्क जो पड़ेगा वो आपका पड़ेगा कैश में, क्योंकि
केस वन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कैश में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपने कैश में बेची और कैश आपकी असेट है और वो असेट आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर असेट इंक्रीज़ होगी तो आप उसको करेंगे डेबिट। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर एंट्री देखते हैं, तो आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। ओके, और क्रेडिट आप कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। जैसे वहाँ पर आपने देखा था परचेज के टाइम पे आप गुड्स को गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे थे। सिमिलरली सेल्स के टाइम पे आप कभी भी अगर आपकी गुड्स रिड्यूस हो रही है सेल के टाइम पे, तो आप टू गुड्स अकाउंट नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर करना है टू सेल्स अकाउंट। ओके, परचेज के केस में परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स के केस में सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद केस टू की बात करें, जब आपने इसको सामान बेचा था, गुड्स बेची थी क्रेडिट में मिस्टर राघव को, तो इसका इफेक्ट आपका सेम पहले तो आपका गुड्स पे पड़ेगा, असेट है आपकी डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी। दूसरा फर्क जो आपका पड़ेगा वो आपका पड़ रहा है मिस्टर राघव पर, मतलब जो कि है आपका डेटर। ओके, क्योंकि उसको आप जो है सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, तो डेटर्स आपके लिए असेट ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो असेट है डेटर्स, ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर राघव का बैलेंस यहाँ पर आप बढ़ने वाला है, मतलब आपके डेटर्स का बैलेंस बढ़ने वाला है, तो अगर असेट इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री देखेंगे तो कैश की जगह पर यहाँ पर आपको डेबिट करना है मिस्टर राघव अकाउंट को, डेबिट कर देंगे आप सेम 20,000 से और क्रेडिट कर देंगे सेम टू सेल्स अकाउंट। ओके, गुड्स यहाँ पर नहीं करना है आपको। तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट परचेज और सेल की एंट्री में, वो है जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे, तो चाहे आप कैश में परचेज करें चाहे क्रेडिट में परचेज करें, तो वहां पर आपको डेबिट करना है परचेज अकाउंट, ना कि गुड्स अकाउंट। ऐसे ही सेम जब भी आप गुड्स बेचेंगे क्रेडिट में या फिर कैश में कैसे भी, तो वहाँ पर आपको जो है सेल्स करना, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, ना कि गुड्स अकाउंट को। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसी जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, इसी में केस टू की बात करें जिसमें हमने मिस्टर राघव को क्रेडिट में सामान बेचा था, तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिस्टर राघव से कैश रिसीव कर रहे हैं 8 अप्रैल 2021 को, लेकिन हमने इससे कैश रिसीव किया है सिर्फ 19,000 और जो कि हमने रिसीव किया है फुल सेटलमेंट में। ओके, तो यहाँ पर देखिए अफेक्ट्स इसका किन अकाउंट्स में पड़ेगा, तो सबसे पहला अफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका कैश अकाउंट में, क्योंकि आपने मिस्टर राघव से कैश रिसीव किया है। ओके, और कैश आपके लिए असेट है जो कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको करेंगे डेबिट। ओके, और दूसरा फर्क किस पे पड़ेगा आपका, यहाँ पर पड़ेगा डेटर्स पे। ओके, तो डेटर्स यहाँ पर जो है आपका मिस्टर राघव, इस पे फ़र्क पड़ेगा और जो भी आपके लिए असेट है, लेकिन यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि अब आपको जो है मिस्टर राघव से कैश रिसीव हो रहा है, मतलब आपके डेटर्स से अब आपको पैसा मिल रहा है, तो आपके डेटर्स उतने अमाउंट से कम हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपकी असेट डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको आप करेंगे क्रेडिट। तो अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर एक न्यू पॉइंट ऐड ऑन हुआ है, आपने इससे कैश तो रिसीव किया, लेकिन आपने इससे सिर्फ 19,000 कैश रिसीव किया और वर्ड गिवन है हमें इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर जब हमने मिस्टर राघव को सामान बेचा था, वो हमने इसको बेचा था 20,000 से, मतलब हमने राघव अकाउंट को डेबिट किया था 20,000 से, बट यहाँ पर हम इससे कैश रिसीव कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में 19,000। ओके, तो ये जो 1,000 का डिफरेंस है, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए अगर, लेकिन यहाँ पर हमारा 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये 1,000 का डिफरेंस हमारा कहाँ जाएगा, तो ये 1,000 का डिफरेंस होगा हमारा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने उसको गुड्स सेल करी थी 20,000 की, लेकिन हमें उससे मिलने सिर्फ 19,000, और यहाँ पर वर्ड आ गया है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का ये मतलब है कि मिस्टर राघव से हमारी जो भी ये 8 अप्रैल को, मतलब इससे पहले जो भी हमारी इसके साथ ट्रांजेक्शन हुई थी, जिस भी डेट पे हमने करी थी 8 अप्रैल से पहले, वो हमने पूरी तरीके से सेटल्ड कर दी है। ओके, अब उसका जो है कोई भी बैलेंस हमें नहीं दिखाना है अपनी बुक्स में, मतलब अगर हमने उससे 20,000 का सामान बेचा भी था, तो हमने उससे 19,000 रिसीव कर लिया और वहाँ पर हमने उसका अकाउंट जो है क्लोज कर देना है। ओके, अब उस पार्टी के साथ उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है अब हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं रहता है।
ओके तो यहाँ पर आपका 1000 होगा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आप जो है सेल कर रहे हैं तो सेल के टाइम पे आपने 1000 रुपये कम रिसीव किए, तो आप उसको डिस्काउंट की तरह पे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आप एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितना आपको कैश मिला आपको सिर्फ उतना डेबिट करना है। तो आपने कैश रिसीव तो सिर्फ 19000 किया, तो 19000 को आप डेबिट कर देंगे और यहाँ पर आप डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके से लॉस है। ओके और लॉसेस और एक्सपेंसेस हमेशा हमारे डेबिट होते हैं, तो इनको इसको हमने यहाँ पर डेबिट किया 1000 से। और क्रेडिट हम करेंगे मिस्टर राघव को पूरा 20000 से, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है। अगर यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो पूरी ट्रांजेक्शन ये चेंज हो जाती, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं डेबिट करते और यहाँ पर हम मिस्टर राघव को 19000 से ही क्रेडिट करते। ओके तो फुल सेटलमेंट वर्ड अगर आए तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके तो आज की इस वीडियो में के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज के साथ। ओके थैंक यू।